हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन कैंपा एक्ट के बारे में है। आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नेशनल फंड ये जो एस्टेब्लिश किया गया है इस एक्ट के अंडर, उसमें आपका 10% जो हिस्सा है फंड का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और स्टेट फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट कैंपा एक्ट के इस फंड का 90% हिस्सा जो है वो रिसीव करेगी। सेकेंड है, कैंपा एक्ट के प्रोविजन के अंडर जो भी कंपनी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करके अपनी कंपनी या अपना यूनिट लगाती है, उसको एक अल्टरनेटिव लैंड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो वहां पे एफॉरेस्टेशन कर सके और फॉरेस्ट जो उसने काटे हैं उसको कॉम्पेंसेट कर सके। थर्ड पॉइंट है कि एफॉरेस्टेशन के लिए कंपनी को पे भी करना पड़ सकता है कि नए ट्रीज जो है जो पेमेंट कंपनी प्रोवाइड करेगी उसी पेमेंट से फिर आगे चल के नए ट्रीज लगा सके, नए पौधे लगाए जा सके। जो भी अल्टरनेटिव लैंड स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी को प्रोवाइड करेगी उस लैंड पे ये सारे नए पौधे लगाए जाएंगे। इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है, सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ध्यान रखेंगे ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंडिया की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जिसमें नंबर ऑफ फर्न्स आपको देखने को मिलेंगे वो उत्तराखंड में इनॉग्रेटेड की गई है और ये जो फर्नरी है ये बेसिकली आपकी कैंपा का जो फंड था उसी के अंडर से फंडिंग लेके शुरू की गई है, ठीक है। और 3 साल लगे हैं लगभग इस फर्नरी को डेवलप करने के लिए, इसलिए कैंपा फंड जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर कैंपा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो वो है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। बेसिकली ये अगर किसी भी इंडस्ट्री यूनिट को लैंड चाहिए जहां पे पेड़ लगे हैं तो उस इंडस्ट्री यूनिट को वो लैंड तभी मिल सकता है अगर वो उस फॉरेस्ट को काटने के लिए एक अमाउंट पे करेगी और उस अमाउंट को हम यूज करेंगे एक नए लैंड पे पेड़ पौधे लगाने के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम फंडिंग जो है कैंपैक्ट के में जो फंड जाता है उसकी मैक्सिमम फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसी स्टेट फंड को यूज करते हुए एक एयर फर्नरी जो है वो उत्तराखंड में ओपन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने पिछली बार ये देखा था पिछले बार के लेक्चर में कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है कि इस लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को जल्द ही शुरू किया जाए और ये आपका यमुना रिवर पे बन रहा है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये टॉलेस्ट डैम होगा इंडिया का, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 204 मीटर है। अगर मैं बात करूं कॉस्ट की तो 5747 करोड़ रुपीज इसकी कॉस्ट आएगी और कैपेसिटी आपके प्रोजेक्ट की है 300 मेगावाट, ठीक है। और ये आपका जो देहरादून और टेहरी डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वहां पे वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो आपको अब ये बताना है कि कितनी स्टेट्स को ये वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि कितनी स्टेट्स को ये बेनिफिट देगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका 6 स्टेट्स को बेनिफिट देगा। अब उन 6 स्टेट्स के आप नाम ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आपका एक यूटी हो गया दिल्ली, ठीक है। इन सबको इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट होने वाला है क्योंकि यमुना रिवर जो है वो इन सब जगह से गुजरती है। राजस्थान से तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यमुना को मिलती हैं आके, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट से लगभग 6 स्टेट्स को फायदा होने वाला है। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की 90% जो कॉस्ट है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बियर कर रही है, 10% कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल कॉस्टिंग के ऊपर है। मैंने आपको पहले ही पिछले अभी क्वेश्चन में बता दिया एक्सप्लेनेशन में, इस प्रोजेक्ट की आपको बताना है टोटल कॉस्ट कितनी है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया 5747 करोड़। ध्यान रखेंगे ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉस्ट ध्यान रखेंगे, इसकी हाइट ध्यान रखेंगे, 204 मीटर इसकी हाइट रहेगी। अब ये बहुत टाइम से अटका पड़ा था, इसको अप्रूवल मिला था 1976 में, 1992 में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया क्योंकि फंडिंग नहीं थी प्रॉपरली। फिर उसके बाद से इन्वायरमेंट को लेके रिस्क आना शुरू हो गया जब इसको अप्रूवल मिला। ये बोला जाने लगा कि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो दिल्ली में फ्लड आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए भी ये रोक दिया गया, लेकिन अब जल शक्ति मिनिस्ट्री को इसका अप्रूवल मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 मेगावाट कैपेसिटी का ये जो लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये देहरादून के साथ और कौन से उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट को फायदा देगा, और देहरादून के साथ कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे कि ये प्रोजेक्ट लगभग 22 किलोमीटर लंबा लॉन्ग रिजर्वायर बनाते हुए जाएगा। यानी कि उत्तराखंड के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इस रिजर्वायर से एक लंबा, इस प्रोजेक्ट से एक लंबा रिजर्वायर बनेगा। एक डिस्ट्रिक्ट तो आपका देहरादून है, दूसरा कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, टेहरी और देहरादून इन दोनों को कलेक्टिवली आप जब मिला देंगे, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से 22 किलोमीटर लंबा एक रिजर्वायर बनेगा। हम सब जानते हैं जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनता है तो डैम बिल्ट होता है तो पीछे एक रिजर्वायर बन जाता है, ठीक है? तो वो रिजर्वायर आपका उत्तराखंड के दो डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाटिक ब्लैक बियर के बारे में है। IUCN कैटेगरी में एशियाटिक ब्लैक बियर का स्टेटस क्या है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज एशियाटिक ब्लैक बियर जो था उसको उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम रेडियो कॉलर कर रहे थे, और उत्तराखंड में सबसे पहला स्पीशीज जिसको रेडियो कॉलर किया जा रहा था ट्रैकिंग के लिए वो एशियाटिक ब्लैक बियर था, लेकिन ये आइडिया जो है बेसिकली इसको ड्रॉप कर दिया गया। ये रेडियो कॉलर इसलिए किया जा रहा था ताकि बियर और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, क्योंकि रेडियो कॉलर से आप एनिमल को मैप कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और अगर वो ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो आप उनको रोक सकते हैं ताकि ह्यूमन के साथ उनका कन्फ्लिक्ट नहीं हो और दोनों जने शांति प्रिय तरीके से रह सके। बात करें अगर IUCN की, तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है? ये बॉडी बेसिकली आपकी नेचर को कंजर्व करने के लिए हेल्प करती है, और ये डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो है ऑल अक्रॉस द एनवायरनमेंट उनका इंडेंजरमेंट का रिस्क कितना है, यानी कि वो कितने ज्यादा थ्रेटन्ड है, वल्नरेबिलिटी उनकी असेस की जाती है। इसके तहत ये डिफरेंट कैटेगरीज लॉन्च करती है कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटन्ड है, वल्नरेबल है, या फिर लीस्ट कंसर्न है, या एक्सटिंक्ट हो चुका है, लुप्त हो चुका है, या फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, ठीक है? तो डिफरेंट कैटेगरीज ये बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट मंडा वन के बारे में है। ये न्यूज में थी तो आपको ये बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन सी यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। ध्यान रखेंगे ये आपकी उत्तराखंड में लोकेटेड है। बेसिकली मंडा ग्रुप की तीन पीक्स हैं, इन तीन पीक में आपकी एक है मंडा वन। ये न्यूज में इसलिए थी, सबसे पहले तो आप इसकी हाइट ध्यान रखेंगे, 6510 मीटर इसकी हाइट है। ये बहुत ही चैलेंजिंग है अगर आप इसे क्लाइंब करना चाहते हैं, और यंगर जनरेशन जो माउंटेनियर्स की है रिसेंटली, उन्होंने इस मंडा पीक को क्या किया है, अभी अभी क्लाइंब किया है, जो कि एक चैलेंजिंग पीक है, तो इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये मंडा वन जो है ये बेसिकली आपकी उत्तराखंड की केदार गंगा वैली में है। आपको वैली पूछी जा सकती है, केदार गंगा वैली में आपकी ये पीक लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि अब सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के अंडर, तो उनको एप्लीकेशन डालने के लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, उन पे कोई पैसा नहीं लगाया जाएगा, तो वो जो भी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं नौकरी के लिए वो फ्री रहेगी। तो अब आपको ये बताना है कि कौन से साल तक ये सुविधा दी जाएगी। ध्यान रखेंगे 2022 तक ये सुविधा है कि 2022 तक आप कोई भी फॉर्म गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करते हैं अंडर सम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया जिसका नाम था पराक्रम। इसको 7 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सी पीक पे एक्सपीडिशन ये इन्होंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके ये हिस्ट्री क्रिएट की है। तो ध्यान रखेंगे, माउंट बलबला पे एक्सपीडिट करके इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने एक अलग सी हिस्ट्री क्रिएट करी है। ये पीक बेसिकली जो है ये 1946 में पिछली बार स्केल की गई थी, और इसके बाद इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने ये चीज करके दिखाई है।
बेसिकली ये उत्तराखंड में लोकेटेड है माउंटेन पीक। ध्यान रखेंगे नंदा देवी जो है वो इस कैटेगरी की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये माउंट बलबला भी आपकी सिमिलरली गढ़वाल हिमालय में लाई करती है उत्तराखंड के, और गढ़वाल हिमालय की हाईएस्ट पीक आपकी नंदा देवी है। माउंट बलबला का जो ट्रैक है वो भी इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, बहुत टफ है। तो ये एक्सपीडिशन जो है पराक्रम, ये बेसिकली एक विजय, एक विक्ट्री को दर्शाता है आईटीबीपी की। आप जो फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं ये बेसिकली डीआईजी हैं, ठीक है, आईटीबीपी देहरादून सेक्टर की। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और इन्होंने एज अ मेंटर काम किया है। जिन भी माउंटेनियर ने इस माउंट बलबला को एक्सपीडिट किया है उनकी ये मेंटरशिप करती थी। इनका नाम है आईपीएस ऑफिसर अपर्णा कुमार, आप इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गवर्नमेंट जल्द ही 13 हेलीपैड्स को अपग्रेड करके हेलीपोर्ट बनाने वाली है। ये हमने पिछले वाले करंट अफेयर में देखा था, जिससे क्या होगा बहुत सारे चॉपर्स आके एक साथ लैंड कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है कितने करोड़ का बजट इन हेलीपैड को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 100 करोड़ तक का लगभग बजट लगेगा और इन हेलीपैड को अब हेलीपोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, जो डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे ये हेलीपैड कन्वर्ट किए जा रहे हैं वो आपके देहरादून में, गौचर में, चिन्यालीसुर में, न्यू टहरी में, श्रीनगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, जोशीमठ, हरिद्वार, धरचूला, रामनगर और मसूरी में लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट जो की उत्तराखंड गवर्नमेंट शुरू कर रही है, इसके फर्स्ट फेज में उत्तराखंड गवर्नमेंट सबसे पहले जो हेलीपोर्ट बनाएगी वो ग्वाचर में बनाएगी और उसके बाद बनाएगी चिन्यालीसौर में, ठीक है। चिन्यालीसौर तो हमने पहले भी कवर किया है काफी न्यूज में कि ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब आपको ये बताना है कि गौचर जो कि कन्वर्ट किया जाएगा हेलीपोर्ट में ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ध्यान रखेंगे ये आपका चमोली में है। तो पहले दो डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे वो आपके हैं उत्तरकाशी और चमोली, ठीक है। अगर बात करें फंडिंग की तो फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उससे ये फंडिंग जो है वो इनको मिलेगी। हर एक हेलीपैड की जो कॉस्ट है जिसको हेलीपोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा वो लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटलिस्ट ने कंसर्न जाहिर किया है ये बोलते हुए कि गणेशपुर और देहरादून के बीच का जो सेक्शन है रोड का, अगर हम उसे डिवेलप करते हैं तो उसको डिवेलप करने के लिए हमें जंगल काटना पड़ेगा। तो अब आपको ये बताना है कितने किलोमीटर का ये सेक्शन है जो कि गणेशपुर और देहरादून को कनेक्ट करेगा जिसके लिए जंगल काटना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे 19.7 किलोमीटर का जो पाथ है बिटवीन गणेशपुर एंड देहरादून, उसको बनाने के लिए, वहां रोड डिवेलप करने के लिए आपको जंगल काटना पड़ेगा। इसके लिए जो एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो आके खड़े हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, राजाजी नेशनल पार्क का बहुत सारा एरिया जो है वो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बनाते टाइम काटा जा चुका है और बहुत सारा कटने की कगार पे है। उसी में ये देहरादून दिल्ली हाईवे जो आपका एक्सप्रेस वे है, इसी का पार्ट है ये गणेशपुर और देहरादून वाली रोड। अगर यहाँ पे भी अब डिवेलपमेंट करना है रोड का तो एक सेक्शन और काटना पड़ेगा, जिसके लिए फिर से चिंता जाहिर की जा रही है। और डिफरेंट एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि अब हम और ट्री नहीं काटने देंगे। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अभी अभी एक, आप बोल सकते हैं, सूचना जारी करी है। उसमें ये कहा गया है कि जितने भी साल के फॉरेस्ट जो है वो काटे गए हैं उनको उत्तराखंड की गवर्नमेंट कंपेंसेट करके देगी, और कंपनसेशन के रूप में अगर आपने एक साल ट्री काटा है तो आपको उसके बदले कितने गुना पेड़ जो है वो दूसरी जगह पे लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है और हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसे हॉल्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइकॉनिक मदर अवार्ड 2021 के ऊपर है। ये बेसिकली दशौली ब्लॉक की रुक्मणी देवी जी को दिया गया है जो कि पिलंग गांव की रहने वाली है। तो दशौली ब्लॉक अगर आपको पता है कि उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी है। तो आपको ये बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की है जिनको ये अवार्ड दिया गया। ध्यान रखेंगे ये आपके टेहरी डिस्ट्रिक्ट की हैं और दशौली ब्लॉक जो है बेसिकली आपका टेहरी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इनको ये अवार्ड दिया गया इनके होम्योपैथिक सेंटर की वजह से और इनकी ह्यूमैनिटी और सोशल सर्विसेज की वजह से, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो अवार्ड है आइकॉनिक मदर अवार्ड, ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए हैं।
और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वनकैया नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट, उत्तराखंड की स्टेट का पहला और सबसे बड़ा पालमेटम जो है नॉर्थ इंडिया का, वो बन रहा है, हमने पिछले बार के करंट अफेयर में देखा था, और उत्तराखंड में डेवलप हो रहा है। अब आपको ये बताना है कि इसमें पाम के कितने स्पीशीज जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे जिससे ये पामेटम बनाया जाएगा। ध्यान रखेंगे इस पामेटम में आपको 110 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पाम जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डिफरेंट पाम स्पीशीज को कंजर्व करना और लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस से रूबरू करवाना। अगर हम बात करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो रहा है, तो पिछली बार के लेक्चर में हमने कवर किया था कि आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कवर हो रहा है, हल्द्वानी एरिया में, ठीक है, वहां पे ही आपका पामेटम जो है सबसे बड़ा पामेटम नॉर्थ इंडिया का बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानवानी चैनल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानवानी चैनल कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस है स्टूडेंट्स को कॉन्टिन्यूसली हमें ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के साथ कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो हमें अच्छे तरीके से स्टूडेंट को जागरूक रखना है, अवेयर रखना है कि वो ऑनलाइन मेथड्स के साथ जुड़े रहें। ज्ञानवाणी आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है, और इससे क्या होगा, आपके जो स्टूडेंट हैं वो ऑफलाइन के साथ, अब स्कूल्स तो खुल चुके हैं कोविड के बाद, ऑनलाइन टीचिंग के मेथड से कभी दूर नहीं जाएंगे, उनको दोनों का बेनिफिट पता होना चाहिए, तो ऑनलाइन लर्निंग लगातार चलती रहेगी। उत्तराखंड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और जियो ने ज्वाइंटली ये जो ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है ज्ञानवाणी, इसको डिवेलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से कल्चरल पेंटर हैं जिनकी पेंटिंग जो है उसको आपकी हिल यात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है और इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखेंगे बहुत ही फेमस पेंटर हैं श्यामशाद पिथौरागढ़ी जी, इनकी जो पेंटिंग है उसको आपकी हिल यात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके अलावा आप एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, दलबीर सिंह जी हैं, ये बेसिकली उत्तराखंड के हैं, रामनगर जगह के, इनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए दुनिया का सबसे टॉलेस्ट कोरिएंडर प्लांट जो है वो लगाया है, और इस कोरिएंडर प्लांट की जो हाइट है वो 7 फीट और 4.5 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन गार्तंग गली के बारे में है, ये लगातार न्यूज में रहती है और हमने इसके पहले काफी क्वेश्चन किए हैं। गर्तंग गली का जो वुडन ब्रिज है ये निलोंग वैली में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये न्यूज में था तो ये कौन से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ध्यान रखेंगे उत्तरकाशी में है। अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि उत्तरकाशी जो है वो कौन सी इंटरनेशनल कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए ये गर्तंग गली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकेसस में हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है यूरोप की वो कौन सी है, ध्यान रखेंगे नाम है माउंट एल्ब्रस, ये यूरोप कॉन्टिनेंट की कॉकेसस में हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखेंगे नमिका बिष्ट जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं, मैं साफ लिख देती हूँ एक बार, नमिका बिष्ट, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की है ये, इन्होंने यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्स जो कि काकेशस में लोकेटेड है उसको क्या किया है, उस पर चढ़ाई की है, सक्सेसफुली उसे क्लाइम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंट एल्बर्स लोकेटेड है, यूरोप पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की ये हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, ये न्यूज में था तो आपको बताना है ये उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मीकांत जो कि डायरेक्टर है इस विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, आपका ये जो डायरेक्टर है बेसिकली इनको अवार्ड दिया गया है, अवार्ड का नाम है डॉक्टर एम वी राव मेमोरियल अवार्ड 2021, और ये अवार्ड इन्हें मिला है वीट और बार्ले की रिसर्च की कैटेगरी में। ध्यान रखेंगे ये जो आपकी विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये अल्मोरा में लोकेटेड है, इन्होंने वीट और बार्ले रिसर्च में डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो करनाल में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है।
और सोसाइटी है वीट और बार्ले रिसर्च की करनाल में, उसी ने ये अवार्ड इन्हें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन, इसको आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है, ये कैंपेन कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई है? तो ध्यान रखिए उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। इसका पर्पस है टेम्पल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उत्तराखंड के टेम्पल्स को प्रमोट करना, ताकि वहां पे और भी ज्यादा टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो सके। देखिए अब केवल टूरिज्म को प्रमोट करना एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेफ टूरिज्म और हेल्दी टूरिज्म प्रमोट करना भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद से जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो बहुत डाउन हुआ है, तो हमें अब सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट भी उन्हें प्रोवाइड करना होगा ताकि वो फिर से आना शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ एशियान जूजित्सु कंपटीशन के बारे में, ये कौन सी कंट्री में हेल्ड हुआ है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे अबू धाबी में ये कंडक्ट किया गया, 13 से 16 सितंबर के बीच में इसको कंडक्ट किया गया है। शिवानी गुप्ता जो है ऋषिकेश की, नाम ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने आपके इसी कॉम्पिटिशन में मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल के बारे में है, ये एप्पल फेस्टिवल कौन से पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ध्यान रखेंगे पहला इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल है। अब इसका पर्पस क्या होगा, देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पे एप्पल को रेकग्नाइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह के साथ लिंक करके, इससे उस जगह के जो एप्पल है उनकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल है पहला इंटरनेशनल, ये बेसिकली आपका उत्तराखंड में ही ऑर्गेनाइज किया गया है और इसको 24 से लेके 26 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया। इससे ना केवल एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ेगी स्टेट में, बल्कि उत्तराखंड के जो एप्पल हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट भी मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्सनैलिटी है इन चार ऑप्शन में से जिनको एक अवार्ड दिया गया, अवार्ड का नाम है मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर और ये अवार्ड दिया गया 6th देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और इस अवार्ड को चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया है। तो ये अवार्ड मिला है आदित्य सील जी को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 में कौन से नंबर का देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, तो ये 6th नंबर का था और आदित्य सील जी को यह अवार्ड दिया गया मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है चार ऑप्शंस में से कौन सी पर्सनैलिटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति की गई है चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चंपावत के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और इनका नाम क्या है, रीता घतौड़ी। ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बेसिकली ध्यान रखेंगे कि इनको नॉमिनेट भी किया गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए और पद्मश्री अवार्ड इन्हें अब दिया भी जा चुका है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि तिलु रौतेली अवार्ड जो है, जो कि उत्तराखंड का बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है, ठीक है, वो 2013 में इनको मिल चुका है ऑलरेडी। चंपावत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हैं ये और इनको चंपावत डिस्ट्रिक्ट के ही चाइल्ड डिपार्टमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की नर्स कमला थापा जी को पोस्थमोसली फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड से नवाजा गया। इनका नाम है कमला थापा जी और ये नर्स थी बेसिकली और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट की थी। इनको फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड दिया गया नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये अवार्ड इन्हें दिया गया इनकी बहुत अच्छी सोशल सर्विस के लिए, इसी कैटेगरी में इन्हें यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड पार्क है वो उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है? देखिए नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड पार्क कौन सी स्टेट में बन रहा है अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बनेगा, ये आपका चमोली है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कंट्री का पहला फर्नेटम जो है कंजर्वेशन एरिया
ये आपका अल्मोरा में बनेगा, जहां पे फर्न स्पीशीज जो कि जुरासिक एरा से बिलोंग करते हैं उनको कंजर्व किया जाएगा। इसके अलावा कंट्री का पहला क्रिप्टोगैमिक पार्क जो है, वो आपका देहरादून में बन रहा है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ऑर्किड पार्क जो है वो आपका चमोली में बन रहा है। इसके साथ अगर आपको ध्यान रखना हो तो कंट्री का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो आपका हल्द्वानी नैनीताल में बन रहा है। तो डिफरेंट पार्क्स कहाँ बन रहे हैं ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज रत्न सम्मान जो है वो उत्तराखंड के कौन से फेमस फोक सिंगर को दिया गया। आप इनको फोटोग्राफ में रेकग्नाइज कर सकते हैं, ये नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनको ये अवार्ड से नवाजा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत ही फेमस है फोक सिंगिंग के लिए। इसी के साथ ही लेक्चर जो है खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।